नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई सऊदी अरबिया के बारे में। जी हाँ भाई, सऊदी के लोग भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं जाने के लिए। हालांकि अलग बात है कि 1.5 साल से फ्लाइटें बंद हैं, कोई सबको कोरोना की महामारी एक ऐसी हो गई कि सबको डर लगने लगा है। भाई सऊदी भी ये सोचती है कि बस एक बार बचा लो हमें, हमारा काम, आपका सिस्टम, हमारा जो आर्थिक व्यवस्था है वो गड़बड़ा जाएगी तो उसको बाद में सुधार लेंगे, ज़्यादा तेल बेच देंगे, लेकिन फिलहाल कोरोना से हमें बचाइए। तो इस चक्कर में भैया आपको पता है 1.5 साल से पिछले फ्लाइटें बंद हैं। जी हाँ, अभी भी देखिए, हालांकि लगभग कंट्रियों की फ़्लाइटें चालू हो चुकी हैं, लेकिन कुछ हद तक कुछ देशों की फ़्लाइटें अभी भी बैन हैं। हम आज इंडिया से सऊदी कैसे जा सकते हैं, फ़्लाइटों के बारे में बात करेंगे पूरी डिटेल से। किन देशों पे सऊदी ने अभी बैन लगा के रखा है? अभी सऊदी तो भाई इंडिया से तो इतना डर गया कि 3 साल का बैन भी लगा दिया। इससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे। आप सऊदी जाते हैं तो क्या प्रोसेस, किस तरह से कतर से होके जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, कितना खर्चा लगेगा, डिटेल से जानेंगे। 5-7 मिनट का वीडियो हो सकता है, पूरा डिटेल से देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए भाई, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज सऊदी से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। देखिए भाई, सऊदी सरकार ने आपको बताया फ्लाइटें तो काफ़ी टाइम से बंद ही है, नो डाउट। आपको बताया 17 देशों पर अभी लेटेस्ट में बैन लगा दिया है। अब आप सोचिए जी हमारा नंबर कम आएगा। देखिए वी को भी बैन करके रखा है, आप वी से भी नहीं जा सकते दुबई। देखिए कितनी बात पड़ी है, दुबई ने दुनिया को बैन कर रखा है, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात को सऊदी ने बैन कर रखा है। जी हाँ, लीबिया, सीरिया, यमन, ईरान, तुर्की, अर्मेनिया, इथोपिया, सोमालिया, अफगानिस्तान, बेंजुला, बेलारूस, जी हाँ, वियतनाम, इंडोनेशिया, कांगो और इंडिया, जी हाँ, इन कंट्रियों को भाई सऊदी ने बैन करके रखा है। पाकिस्तान का नाम नहीं आया भाई, पाकिस्तान की फ़्लाइटों इसमें 16 जो रेड लिस्ट कंट्रियों में नाम डाला है ना, इसमें पाकिस्तान का नाम नहीं है। आप समझ सकते हैं पाकिस्तान की फ़्लाइटें तो फिर चालू हो जाएगी, या चालू हो सकती हैं या हो गई होगी भाई, समझ गए बात को। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया, बता दूं सऊदी ने इतनी सख्त हिदायत अपने देश के नागरिकों को दी है कि अगर आपने इन बैन किए हुए कंट्रियों में जाने की कोशिश भी की तो 3 साल तक आपके ऊपर बैन लगा दिया जाएगा, आप एंट्री नहीं कर सकते देश के बाहर में 3 साल तक। जी हाँ, 17 देश हैं जो मैंने आपको लिस्ट बताई है ना, इन देशों के यात्रा पे बैन लगा दिया है। अब देख लीजिए, जब वो अपने ही लोगों पे बैन लगा रहा है और धमकी साफ साफ दे दी कि 3 साल का बैन है, तो भाई इन देशों के हम लोगों को, इंडियन लोगों को वो कैसे बुला लेगा डायरेक्ट, सोचने की बात है ना, ये इम्पॉसिबल। तो ये दिमाग से अभी आजकल की लेटेस्ट न्यूज़ है, तो भाई ये कितना लंबा जाएगा ये तो आप सोच सकते हैं। 1.5 साल से लंबा जा रहा है तो फिर 1-2 महीने और लंबी बात खींचना कोई इन लोगों के लिए बड़ी बात नहीं है। जी, फ्लाइटों के नई चक्कर में होने की वजह से पिछले 3 महीने में 17,000 लोगों की जॉब चली गई। जी हाँ, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है, 17,000 लोग जो टाइम पर नहीं पहुँच पाए उनकी वजह से उनकी जॉब खत्म हो गई। बाकी और अलग आंकड़े हैं। जी हाँ, अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ में बता दूं भाई, सऊदी सरकार ने एक आदेश जारी कर दिया है कि भाई पहले क्या होता था कि सऊदी की कोई भी महिला को विदेश यात्रा करने के लिए अपने महिला पुरुष की, यानी पुरुष की इजाज़त लेनी पड़ती थी, एक परमिट फॉर्म होता था उस पर सिग्नेचर करके परमिशन लेनी पड़ती थी। लेकिन अभी सरकार ने साफ आदेश दे दिया कि भाई जो 21 साल की महिला है वो अगर दूसरे देश में यात्रा करना चाहती है तो उनको पुरुष की एक परमिशन, जो परमिट होता है, उसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिना यात्रा परमिट के भी वो अकेली यात्रा कर सकती है। जी हाँ, तो ये एक सऊदी की महिलाओं के लिए अच्छी न्यूज़ है। और भाई देखिए, सऊदी सरकार है वो 2030 से पहले बहुत सारे अपडेट कर देगा, क्योंकि 2030, जी हाँ, ये मिशन उनका है उनको कामयाब बनाने के लिए। नियमों में जो नियम सख्त है ना, उनको ढीला देना ही पड़ेगा, तभी जाके कुछ हो पाएगा। क्योंकि दुबई की ओर करनी है ना, तो दुबई में तो भैया आज़ादी है, सऊदी में आज़ादी नहीं है, तो इसलिए वो नियमों को यूज़ करना पड़ेगा। अब बात करें भाई कि अगर आप मान लीजिए सऊदी जाना चाहते हैं कतर के माध्यम से या मालदीव के माध्यम से, भी लोग बहुत सारे पैकेज भी देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे, एजेंटों की भरमार पड़ी पड़ी है, वो ऐड करते हैं कि हम आपको पैकेज देंगे मालदीव से या फिर कतर से, किस तरह से जाना चाहते हैं। कतर की हम बात कर लें क्योंकि भाई कतर गल्फ का हिस्सा है, लोग ज़्यादा आते जाते हैं, नॉर्मली है, सब लोग जानते हैं। अगर आप कतर जाते हैं, आपको पता है कतर ने 12 जुलाई को इंटरनेशनल तरीके से फ़्लाइटें ओपन कर दी थी। जी हाँ, लेकिन उसके लिए भी कतर सरकार ने कुछ कंडीशन रखी हैं, उन कंडीशन के आधार पर अगर आप सऊदी जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। सबसे पहले बात कर लें, अप्रूवल वैक्सीन लगी होनी चाहिए भाई। जी हाँ, जो 4 वैक्सीन आप सबको पता है, सिनोफार्मा, एस्ट्राजेनेका, जो इंडिया में अवेलेबल है कोविशील्ड के नाम से, जी हाँ, फाइजर, मार्डिना एंड जॉनसन एंड जॉनसन, ये जो 4-5 हैं, इनको, इनका दोनों डोज आपके पास लगी हैं तो आप जा सकते हैं।
अगर मान लीजिए आप सऊदी जाना चाहते हैं, आपके साथ छोटे बच्चे हैं, जी हाँ 11 साल के नीचे, और आपको दोनों डोज लगी हैं, फिर भी आपको बच्चों के साथ में क्वारंटाइन होना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास में बच्चे हैं, इसको उनको कोविड वैक्सीन नहीं लगी, इस वजह से उनको आप साथ में आपको भी होना पड़ेगा। 6 महीने कम से कम पासपोर्ट आपका वैलिड होना चाहिए, तभी आप एंट्री कर सकते हैं। किसी भी देश में जाते हो तो भाई 6 महीने का तो सब देश मानते हैं, नो डाउट। वैलिड आपके पास वीज़ा होना चाहिए, हालांकि सऊदी का तो वैलिड है भाई, 31 अगस्त तक तो सरकार ने वैसे ही वीज़ा रिन्यू कर दिए, तो उनका स्टेटस तो वैलिड में ही आएगा, तो वो लोग जा सकते हैं। जी हाँ, 72 घंटे पहले कि आपके पास RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट होनी चाहिए, होटल बुकिंग आपके पास कन्फर्म होनी चाहिए, जी हाँ वैक्सीन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ये आपको सब के सब डॉक्यूमेंट, टिकट वगैरह है, कतर का जो एतराज़ ऐप है उसके ऊपर 8 से 10 घंटे पहले अपलोड करना होगा, जी हाँ, तभी वो वहाँ पे अप्रूवल मिल पाएगा। ये नहीं कि प्लेन में बैठने के कर देंगे, एयरपोर्ट पे पहुँचने के कर देंगे, नहीं जी, वो पहले ही टोटल डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने होते हैं आपको। जी हाँ, सबसे बड़ी बात ये आती है भाई, कतर सरकार ने भी अभी ये लागू कर दिया है, पहले लोग जा रहे थे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अभी आपकी जेब में 5,000 कतरी रियाल जेब में होने चाहिए, तभी आपको एंट्री मिलेगी, वरना आपको एंट्री नहीं मिलेगी। अब वो पैसे आपके पास ATM में हो सकते हैं, क्रेडिट कार्ड हो सकता है, ATM डेबिट कार्ड हो सकता है, या फिर आपके पास डॉलर में वो पैसा हो सकता है, लेकिन वो पैसा आपको चाहिए भाई जेब में। ये भी नहीं बोल सकते क्रेडिट कार्ड मेरे पास है, मेरे पास पैसा है, चेक करेंगे भाई, क्योंकि बता दूं पिछले 2-3 दिन में 40 से 50 लोगों को वापस इंडिया भेज दिया गया एयरपोर्ट पे। क्यों, कारण क्या था, उनके पास पैसा नहीं था। जी हाँ, पैसा नहीं होने की वजह से उनको रिटर्न आना पड़ा। अब आप समझ सकते हैं भाई, ये गरीब आदमी 1-1.5 लाख का तो वैसे खर्चा हो जाता है उनका, उनके पास बाद में 1 लाख रुपये आपको और चाहिए जेब में, क्योंकि सरकार भी तो पैसा कमाएगी ना, थर्ड कंट्री में उनको पता है जा रहे हैं, वीज़ा का पैसा आपका लग नहीं रहा है, तो भाई पैसा तो देना पड़ेगा आपको, सीधी सी बात है। तो इस चक्कर में आपको मैं बता दूं, 5,000 रियाल कतरी रियाल आपकी जेब में होनी चाहिए, क्योंकि उनका सीधा सीधा कहना है कि भाई आप यहाँ पे 14 दिन क्वारंटाइन रहोगे, आपका रहना खाना होटल का खर्चा आपका और भी एक्स्ट्रा चार्ज होते हैं, वो पैसा कहाँ से आएगा आपके पास, तो जेब में पैसा होगा तभी तो खर्च करोगे ना आप। अब कोई बोल देता है मेरे पास तो जी 200 रियाल हैं, 200-300 रियाल हैं, क्या होता है जी 200-300 रियाल से पैसा तो लगेगा, तो इसलिए ये पैसा आपके पास जेब में है तो या भाई कुवैत कतर से सऊदी जाने की सोचें, वरना आपको दिक्कत आ सकती है। अब आप समझ सकते हैं 1 लाख रुपए वो आपके पास चाहिए, 1-1.25 लाख रुपए और आपका खर्चा, यानी आपके पास 2 लाख से प्लस पैसा है तो आप सऊदी जाने की सोच सकते हैं, वरना तो भाई उम्मीद छोड़ दो। और मेरे को जहाँ तक लगता है कि आप 2 लाख रुपए खर्च करके जाते हो तो मैं गलत मानता हूँ, इससे तो बढ़िया आप घर पे बैठे रहो यार। 2 लाख खर्च करके भी कोई जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है कि भाई ठीक है जी आपको पहुँचा ही देंगे, कोई जिम्मेदारी नहीं है। मालदीव से अगर होके जाते हो तो भी आपका पैसा लगना है, समझ गए बात को। तो कहने का मतलब रिस्क ही रिस्क है, किधर से भी चले जाओ कोरोना का रिस्क तो है ही है, घर के बाहर निकलने के बाद में पैसों का भी और इधर ये लगता जा रहा है, तो ये भी रिस्क है। तो आपको समझ में बात आ गई होगी, सऊदी सरकार ने अभी फ्लाइटों में, लेकिन इंडिया सहित इन 15-16 कंट्रियों को फिर बैन करके रखा है, और उन्होंने ये बोला है 10 अगस्त तक तो अपडेट दे दिया कि 10 अगस्त के बाद में देखेंगे। बाद में वही भाई, सीखते कौन कहाँ से सीखता है, हमारे बच्चे हमसे सीखते हैं ना, तो एक देश भी एक दूसरे देश से सीखते हैं, उनको पता लग गया ना कि दुबई कैसे चल रहा है, 5 दिन 7 दिन 8 दिन इस तरह से फ्लाइटें बढ़ा रहे हैं। बस ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करना था भाई, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।